बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो गार्नियर की प्रोडक्ट है, उसका फेशियल किट है, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था। जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपने हाथ पर अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी, तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसका नंबर वन जो है वो वाइटनिंग ब्लीच है, पर मैं ब्लीच नहीं करूँगी क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसको कम से कम 3 मिनट के लिए लगाना होता है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें अभी इसमें से स्किप कर दी हैं, ठीक है। आप लोग करें तो ये भी लाजमी करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। इस पर पूरी मैंशन है कि आपने किस तरह से स्टेप बाई स्टेप इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंड स्टेप जो है डबल एक्शन क्लिनजर का है, ओके, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये रहा इसका डबल एक्शन क्लिनजर, ठीक है, हम इससे स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा मैं लूँगी क्योंकि मैं हैंड पे कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल लाइट सा लूँगी, ठीक है। देन हम इसको चेकअप करते हैं, अब हल्का सा आप लोग इसके साथ ना रोज वाटर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपने, अच्छा, किसी भी चीज़ की आपने मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि 10 मिनट तक आपने नहीं करना है, 3 से 4 मिनट आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, आपने, मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ, तो आपने इसका मतलब ये है कि आपने इसके साथ रोज़ वाटर यूज़ करना है, तो उससे जो है वो ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, ये बस आपने 3 से 4 मिनट करना है, बस इससे ज़्यादा आपने करना नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये देखें आप, ये अच्छी तरह से जो भी आपकी ब्लैक लाइंस हैं तो उसमें आपने इस तरह से करना है, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा इसको बस ना काफ़ी है, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, अब हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल ब्राइट होते जाएंगे, ठीक है। अब हम ये नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये वाइटनिंग मसाज है, इसको मैं खोल लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा हाथ, मैं ज़रा हाथ को क्लीन कर लूँ। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हम करेंगे वाइटनिंग मसाज, ठीक है, ये वाला। इसके साथ आपने, अच्छा, रोज़ वाटर का स्प्रे साथ रखना है आपने, हर चीज़ में साथ साथ आपने रोज़ वाटर का ही स्प्रे करना है, उससे देखिएगा आपका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सामने सब चीज़ों को जो अप्लाई करना है वो बस 3 से 4 मिनट ही करना है, ठीक है, ज़्यादा देर आपने नहीं करना।
खुशबू बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो देखेंगे हमने, देखिएगा मेरे हाथ पे चेंज आता जाएगा। अब हमने फिर हल्का सा वो लेके, अब हम थर्ड पे आएंगे, सेकेंड थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो वाइटनिंग स्क्रब है। ओके, वाइटनिंग स्क्रब ये रहा हमारा वाइटनिंग स्क्रब। अभी सब पैक आपके सामने, इसकी झील उतार रही हूँ। तो मैं हाथ को अपना थोड़ा सा वॉश करूँगी इसके बाद, तो मैं जाके मेरा वॉश करके आऊँगी। क्योंकि ये थोड़ा सा जो ब्लैक 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 सा एरिया हो रहा होता है हमारी स्किन का, जैसे आइज़ के नीचे का होता है, नोज़ के साइड का, लिप्स के नीचे का, तो वो सारा आपने इससे कवर अच्छी तरीके से जो है उसको उन जगहों का मसाज करना है। ठीक है, आपने रोज़ वाटर का ही यूज़ करना है। मैंने थोड़ा इस वक्त जो है वो, मैं भी रोज़ वाटर का ही यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये मैं अब इसको थोड़ा सा वॉश करके आऊँगी अपने हाथ को। ठीक है, फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा कि कितना इसका वाइटनिंग और जो है कोई। मैं अब इनको ज़रा वॉश करके आती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैंने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया है इसको। ठीक है, अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो है ये स्किन पॉलिश, वाइटनिंग स्किन पॉलिश। हम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, देखेंगे चल रहा है काम, इस पर हो रहा है लाइट लाइट सा। ये आप लोग ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत अच्छी और बिल्कुल रीज़नेबल किट है। इसको आप वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी तरह से हो गया है। आप दोनों हाथों का मेरा फर्क देख लीजिएगा। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। हमने
कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम मास्क लगाएंगे लास्ट में, बिल्कुल मास्क ये रहा वाइटनिंग मास्क। इस मास्क को लगाना होता है 10 से 15 मिनट, या इसको सूखने का वेट कर लें, इसको ड्राई होने का, फिर अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ठीक है, इसको हम इस तरह से ये देखें, हमें इस तरीके से लगाना होगा। तो मैं जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं ये वहीं से स्टार्ट करूँगी, अब आपको वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, पहले आपने अच्छी तरह से इसको लगा लेना है हाथ पे। ये आप 10 से 15 मिनट में इसको वॉश कर लें, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हम और ले लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा मोटा मोटा करके लगा देते हैं। फिर आप देखिएगा मेरे दोनों हाथों का चेंज। ठीक है, अब ये मैं 10 मिनट सूखने का इसके वेट करूँगी ड्राई होने का, फिर उसके बाद मैं वहीं से वीडियो स्टार्ट करूँगी। वेलकम बैक। ये मैंने ये सूख गया है मेरा ये मास्क जो मैंने लगाया था इस पर वाइटनिंग। ठीक है, अब हम इसको यहाँ खोल लेते हैं, मैं वॉश बाद में करूँगी, अभी मैं सिर्फ आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। पहले इससे हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब बाकी फिर हम ये टिश्यू से रब करते हैं। इसके फैशन कर लेने के बाद आपके पास टोनर हो तो आप वो उसमें टोनर अप्लाई करें, फेस पे उसका स्प्रे कर लें, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, फेयरनेस भी आएगी, शाइनिंग ग्लोइंग और अच्छी आपकी स्मूथ स्किन हो जाएगी। ये एक बार ज़रूर गर्ल्स जो हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख रही हैं वो इसको ट्राई करें, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें आप, हो गया। अब ये देखें आप, थोड़ा सा मैं वाले हाथ को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, उधर आ गया था ना आपको मैं। ठीक है, अब ये देखें आप, ये हाथ मेरा कैसा लग रहा है और ये कैसा लग रहा है, देखें आपको दोनों हाथों में। ये देखिए, इसकी स्किन इतनी स्मूथ हो रही है और इतनी देखें साफ क्लियर हो रही है बिल्कुल। ये देखें, ये भी हाथ तो मैंने बिल्कुल लाइट लाइट सा किया है तो इतना चेंज आया है। अब स्किन पे आप जब करेंगे, फेस पे अपने करेंगे, तो वो आपने अच्छी तरह से जो स्टेपिंग होती है फेशियल की आप उसी तरह से करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप जब रोज़ वाटर के साथ यूज़ करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक की है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं और चीज़ों के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।